हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। मैं सुरेंद्र पांडे लेकर हाजिर हुआ हूँ 3 अक्टूबर 2018 के करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा डेली करंट अफेयर क्लास मंडे से संडे कंडक्ट होता है। शाम को हम 6 बजे रिकॉर्डेड सेशन जो है उसको लाइव करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि हम जो हैं अभी नोबल प्राइजेस पे जो है सीरीज चला रहे हैं, यानी कि अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में हम हमेशा 2 क्वेश्चन जो है नोबल प्राइज से संबंधित पूछते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख से जो है नोबल प्राइज 2018 के अनाउंसमेंट होने चालू हो गए हैं, और आज यानी 3 अक्टूबर को जो है अभी 3 बजे नोबल प्राइज 2018 इन केमिस्ट्री का ऐलान हुआ है। तो इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। सेकेंड जो है हम इप्सामार 6 एक्सरसाइज जो है इसको भी कवर करेंगे, देखेंगे क्या है। फिर है वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2018, इसको देखेंगे। चौथा टॉपिक है गीता गोपीनाथन न्यू IMF चीफ इकोनॉमिस्ट, और पांचवा है यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस। ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो आप जो है अपना ध्यान कहीं मत भटकाइएगा। इनके अलावा जो है हम आपके साथ 7 और बल्कि 8 और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कुल जो समय देंगे इस पे 30 मिनट का जो है समय देंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में हमें जो है फीडबैक देना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था कि हु हैज बीन अवॉर्डेड फिजिक्स नोबेल प्राइज ट्वाइस। सो भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से 2 बार किससे सम्मानित किया गया है। सो ऐसा जो है ये केवल और केवल एकमात्र है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज 2 बार दिया गया है, तो ये है आपके जॉन बार्डिन। सो जॉन बार्डिन को जो है 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया है। एक बार 1956 में इनके ट्रांजिस्टर के खोज के लिए दिया गया था, किसके लिए, ट्रांजिस्टर के खोज के लिए, और फिर दोबारा जो है इनको 1972 में जो है दिया गया सुपर कंडक्टिविटी के फील्ड में। तो जॉन बार्डिन जिनको 2 बार नोबेल प्राइज फिजिक्स से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहां पे मैं और भी एक ऑप्शन जो है आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे फर्स्ट यानी कि मैरी क्यूरी। सो मैरी क्यूरी जो है ये पहली महिला है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था 1903 में, और फिर लॉरेंस ब्रैग जो है ये यंगेस्ट विनर है फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले। इन्होंने 25 साल की उम्र में जो है नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है Who is the oldest winner in Nobel Prize history? So, Nobel पुरस्कार इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र का विजेता कौन है? तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, और मैक्सिमम लोगों ने है जो है इसका आंसर गलत दिया है। मैक्सिमम मैं बोलूंगा 100% लोगों ने गलत दिया है, वो इसलिए क्योंकि सबने जो है लियोनिड हुर्विस को जो है आंसर दिया है, जो कि 90 साल के थे जब इन्होंने इकोनॉमिक्स का प्राइज जीता था, ठीक है। लेकिन कल जो है फिजिक्स के प्राइज डिक्लेयर हुए, जिसमें आर्थर अश्किन जो है जिनको हाफ प्राइज मिला है इनके ऑप्टिकल फील्ड में खोज के लिए। तो ये जो है 96 ईयर्स के हैं, कितने 96 ईयर के हैं, और ये ओल्डेस्ट हैं नोबेल प्राइज हिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीतने वाले कौन, आर्थर अश्किन। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और फिर जो है डोना स्ट्रिकलैंड जो है, जैसा हमने कहा कि डोना स्ट्रिकलैंड जो है ये तीसरी महिला है फिजिक्स में जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, ठीक है, डोना स्ट्रिकलैंड। और लॉरेंस ब्रैग हमने डिस्कस कर ही लिया है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। सो हमारा पहला क्वेश्चन है वेयर इज 6th edition ऑफ इप्सामार एक्सरसाइज बींग हेल्ड। सो इप्सामार अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सो आपके जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कहाँ पे, तो साइमन्स टाउन साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे, सिमन्स टाउन साउथ अफ्रीका में जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जो है अक्टूबर 2018 में कंडक्ट किया जाएगा, और पिछले बार जो है लास्ट जो एडिशन कंडक्ट हुआ था यानी कि 5th edition पांचवा संस्करण जो है
ये 2016 फेब में गोवा में कंडक्ट हुआ था। कहाँ पे? गोवा में कंडक्ट हुआ था। और ये पहली बार जो है 2008 में कंडक्ट हुआ था। कहाँ पे? 2008 में पहली बार ये इप्सामार एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था। अब ये इप्सामार एक्सरसाइज जो है ये किन तीन नेशंस के नेवी के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज है? सो पहला तो आपको याद रखना है इप्सामार नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, यानी कि नौ सेनाओं के बीच। और ये कंट्री कौन से हैं? तो ये है इब्सा। इब्सा मतलब आपका इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये है आपका इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। सो ये जो है तीन कंट्रीज हैं जो कि इस नेवल एक्सरसाइज में शामिल हैं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? सो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये जो है आपकी सी, यानी कि गीता गोपीनाथ, जो कि इंडियन अमेरिकन है और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। कहाँ पढ़ाती हैं? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और ये मात्र जो है 44 साल की हैं। सो इनका ये जन्मी थी केरला में, इनका एजुकेशन डीयू में हुआ है, लेडी श्रीराम कॉलेज, और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया। बाद में ये जो है फॉरेन में चली गई और अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और ये एकमात्र इंडियन है जो कि अमर्त्य सेन के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में परमानेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे है, ठीक है। सो देखिए यहां पे हम एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, सो कल जो है यानी कि क्रिस्टिना लगार्डे, सो क्रिस्टिन लगार्डे जो कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सो इन्होंने जो है गीता गोपीनाथ को इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर नियुक्त किया है। किसका? आईएमएफ के रिसर्च डिपार्टमेंट का। और ये जो है किसको सक्सीड करेंगी? ये मॉरिस ऑब्सफील्ड को सक्सीड करेंगी। किसको? मॉरिस ऑब्सफील्ड को, जिन्होंने जुलाई में अनाउंस किया कि वो इस साल के अंत तक रिटायर हो जाएंगे। और अभी एट प्रेजेंट जो है वो कहाँ पे? आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है एक जो सेंटर है जिसका नाम है जॉन जोनास्त्रा प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये माहिरत हासिल रखती हैं। कौन? गीता गोपीनाथन। ये देखिए, ये रही इनकी शक्ल, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे, ये तीसरी ऐसी महिला हैं जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं एज ए बतौर प्रोफेसर। और ये पहली इंडियन है नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन के बाद जो कि किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पिनराई विजयन, सो पिनराई विजयन की ये जो है ये फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। क्या है? ये फाइनेंशियल एडवाइजर हैं केरला की, ठीक है। अब आइए, चूंकि आईएमएफ का जिक्र हुआ है तो आइए समझते हैं आईएमएफ के सीईओ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबरशिप कितनी है, फाउंड कब फाउंड हुआ और किसने इसकी स्थापना की। तो जो इसके सीईओ हैं वो है क्रिस्टिना लगार्डे, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी है, मेंबरशिप इसमें 189 कंट्रीज हैं, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी वो की थी जॉन मेनार्ड केन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट ने। सो इन दोनों ने जो है आईएमएफ की स्थापना की थी। आपको यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक को हम लोग मिलकर क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विन सिस्टर्स, ठीक है। इनको हम ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं जो कि ब्रेटन वुड्स से इन बीइंग में आए थे। सो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी, इसलिए हम इनको ट्विन सिस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया? तो हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये जो है आपका केविन रॉबर्ट्स को जो है ये नियुक्त किया गया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, और डेविड पीवर जो है ये हैं चेयरमैन। सो ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन हैं और सीईओ कौन है आपके? केविन रॉबर्ट्स, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे।
हु वॉज रिसेंटली स्वॉन इन एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो हाल ही में किन्हें भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है, क्योंकि आज इनको यानी कि 3 अक्टूबर को इनको शपथ दिलाई गई, तो ये है जस्टिस रंजन गोगोई। तो जस्टिस रंजन गोगोई को शपथ दिलाई गई, और ये जो है अगर बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट से यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में से ये पहले मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के। उसके बाद जो है इनका टेन्योर जो होगा नवंबर 17, 2019 तक होगा, और ये जो है ये 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक मिश्रा को। और कौन सा संविधान का अनुच्छेद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात करता है, तो वो है आपका आर्टिकल 124। सो है आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, वॉट इज द रिटर्न फॉर एवरी $1 वन इन्वेस्टेड इन सैनिटेशन अकॉर्डिंग टू WHO। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छता में निवेश किए गए प्रत्येक $1 के लिए वापसी क्या है। वापसी यानी कि रिटर्न, ये वापसी नहीं होगा बल्कि रिटर्न होगा। सो अगर हम अगर $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं सैनिटेशन में यानी शौच में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे को कितना वापस मिलेगा। सो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है यानी $1 पे जो रिटर्न मिल रहा है वो $6 मिल रहा है। तो ये मैं किस टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ये मॉनेटरी टर्म्स में, ये इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट है। कैसे, क्योंकि अगर सैनिटेशन रहेगा, बढ़िया सैनिटेशन रहेगा तो क्या होगा, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन है तो क्या होगा, हाइजीन प्रॉपर होगी। सो हाइजीन प्रॉपर होगी तो क्या होगा, डिजीजेस कम होंगे, और डिजीजेस कम होंगे तो क्या होगा, लो कॉस्ट आएगा किस पे, हेल्थ कॉस्ट यानी एक्सपेंडिचर जो होगा लेस होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर $1 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो $6 रिटर्न है। ठीक है, और ऐसा जो है ये हमने क्यों डिस्कस किया है, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि कल यानी कि 2 अक्टूबर 2018 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है अपना पहला सैनिटेशन और हेल्थ गाइडलाइन जो है ये जारी किया है। तो ये सैनिटेशन और हेल्थ गाइडलाइन जारी किया है जिसमें उसने ये कहा है कि अगर हमको 2030 तक सबको जो है सैनिटेशन यानी कि शौच का यूनिवर्सल एक्सेस दिलवाना है, यानी कि हर एक घर में एक लैट्रिन हो, तो उसके लिए हमारे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्लस पॉलिसी शिफ्ट्स करने पड़ेंगे। सो पॉलिसी शिफ्ट्स में कैसे, कहने का मतलब कि बॉटम टू टॉप लेवल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, यानी कि बॉटम टॉप लेवल अप्रोच यानी कि ग्रास रूट्स पे जो है पंचायतों को जाके क्या है कि एम्पावर करना पड़ेगा, उनको जो है पॉलिसी में पूरा अधिकार देना पड़ेगा, सो दैट कि गांव-गांव में सबको जो है सैनिटेशन की जो है क्या हो, व्यवस्था हो सके। और इसके लिए जो है WHO ने भारत का जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन जो है इसको जो है बहुत ही इसकी तारीफ की है अपने किसमें, गाइडलाइन में, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए, सो जितना $1 इन्वेस्ट होता है सैनिटेशन में, सो सिक्स फोल्ड यानी कि लगभग $6 रिटर्न मिलता है इन टर्म्स ऑफ क्या, लोअर हेल्थ कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और जो है फीवर प्री मैच्योर डेथ, यानी कि हेल्थ कॉस्ट कम रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्री मैच्योर जो डेथ्स होंगे वो कम हो जाएंगे, इससे जो है $6 का फायदा होगा। और थ्रू आउट द वर्ल्ड लगभग 2.3 बिलियन पीपल है जिनको कि सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है। अब चूंकि WHO की बात हुई है तो हम यहाँ पे WHO से संबंधित जानकारी लेते हैं। तो WHO जो है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसके जो चेयरमैन है वो है टेड्रोस एडानोम। कौन है, टेड्रोस एडानोम, और इसकी जो है ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे और एक जो चीज़ है आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी हाल में ही आपने पूनम खेत्रपाल के बारे में सुना होगा। किसके बारे में, पूनम खेत्रपाल। तो जो पूनम खेत्रपाल हैं ये भारत की तरफ से WHO साउथ ईस्ट रीजन के लिए मतलब कि डायरेक्टर जनरल दोबारा से सेकेंड टर्म के लिए चुनी गई थी।
कौन? पूनम खेत्रपाल। तो किसके लिए? WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, तो जिसे हम CRO भी बोलते हैं। तो पूनम खेत्रपाल सिंह जो है सेकेंड टर्म के लिए डायरेक्टर जनरल चुनी गई है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, ये सितंबर में था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, विच जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस। सो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस के लिए GSI द्वारा कौन सी भूगर्भीय विरासत स्थलों की सिफारिश की गई है? सो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। सो किसको किसको किया है? आपका लोनार लेक हो गया, फिर सेंट मेरी आइलैंड हो गया, और मालपे बीच। सो मालपे बीच जो है ये अलग नहीं है, बल्कि मालपे बीच जो है, जो सेंट मेरी आइलैंड का जो बीच है उसी को हम मालपे बीच में बोलते हैं। तो ये दोनों जो है ये कॉमन है। तो लोनार लेक और सेंट मेरी आइलैंड ये ऐसे, ये कर्नाटका में है आपका, और कर्नाटका में अगर हम बोलें तो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट जो है कर्नाटका में कितने हैं? टोटल 4 है। तो उनमें से एक है सेंट मेरी आइलैंड जो कि मालपे बीच पे स्थित है। दूसरा जो है लोनार लेक है, ये आपका महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये देखिए, अब देखते हैं कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस क्या है और ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या क्या है, इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो ये देखिए, सो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने लोनार लेक और सेंट मेरी आइलैंड और मालपे बीच को यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस के लिए रेकमेंड किया है। तो हालांकि इसके लिए जो रास्ता है ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट होना चाहिए, एक वेबसाइट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसने 100 डे का टाइम लिया है कि मतलब ये सारी चीज़ों को हम दुरुस्त करके जो लोनार लेक है और सेंट मेरी आइलैंड है इसको यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के लिए हम रेकमेंड करेंगे। सो ये जियो पार्क जो टैग है, यानी कि ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क टैग है, ये सिमिलर टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग है। सो जैसा हमें पता है जो कि विश्व धरोहर रहती हैं, सो यूनेस्को का जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है, वैसे ही कोई भी अगर जियोलॉजिकल फीचर है किसी देश में तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए और उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। सो अब तक जो है कुल मिला के 140 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स हैं जो कि 38 कंट्रीज में स्थित हैं। सो जो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क स्टेटस है ये 2004 में, ये मतलब कि 17 यूरोपियन और 8 चाइनीज जियो पार्क आए थे और इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और 2015 में यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के क्रिएशन को लेकर 195 देशों ने यूनेस्को के 195 देशों ने इसको रेटिफाई किया था, ठीक है। अब भारत में कितने जियोलॉजिकल साइट्स हैं, यानी जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया कितने हैं भारत में? सो भारत में 2001 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में कुल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया कितने हैं? 26 हैं। कितने? 26। तो इतनी जानकारी जो है आपको इस करंट अफेयर से मिल जाती है। अब आइए समझते हैं कि लोनार लेक क्या है और सेंट मेरी आइलैंड क्या है। तो लोनार लेक जो है ये जो है मिट्योराइट द्वारा, यानी उल्का पिंड द्वारा जो है क्रिएट किया गया एकमात्र लेक है जो कि बसाल्टिक रॉक का बना है और ये वर्ल्ड फेमस है। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 1.83 किलोमीटर में जो है ये फैला है ये लेक, ठीक है। तो लगभग 50,000 साल पहले क्या है कि एक उल्का पिंड आया था जो कि लगभग 2 मिलियन टन का जिसका वो था, और आके उसने धरती महाराष्ट्र के लोनार साइट पे जाके स्ट्राइक किया और वहाँ पे एक क्रेटर बना, और इसको हम लोनार लेक को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्रेटर लेक भी बोलते हैं जो कि उल्का पिंड द्वारा क्रिएट किया गया था। और ये जो है जियो हेरिटेज साइट कब बना? ये 1979 में इंडिया ने इसको जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। दूसरा है आपका सेंट मेरी आइलैंड। सो सेंट मेरी आइलैंड को जो है 1975 में
जियो हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, ये उडुपी, सो उडुपी उडुपी डिस्ट्रिक्ट में है ये, और उडुपी के कोस्ट पे है, जिसको हम मालपे बीच के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉलमनर बेसाल्टिक रॉक्स हैं। कॉलमनर यानी कि जैसा जैसे पिलर होता है वैसे ही बेसाल्टिक रॉक्स हैं, और उसी से जो है ये सारा द्वीप बना हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो द्वीप है लगभग 88 मिलियन साल पहले जो है बना था, जब ग्रेट इंडिया से मेडागास्कर जो है ब्रेक अवे हुआ था। तो सही में अपने आप में ये एक जियो हेरिटेज साइट है जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियाज टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग फ्रॉम मीन सी लेवल। आपको ये याद रखना है, मीन सी लेवल से, ठीक है, वॉज अनफर्ल्ड ऑन अक्टूबर 2, 2018। सो समुद्र तल से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय झंडा 2 अक्टूबर 2018 को कहाँ फहराया गया। सो ये जो है कहाँ फहराया गया, ये है आपका गुवाहाटी असम में फहराया गया। कहाँ? गुवाहाटी असम में फहराया गया। ठीक है, ये देखिए, कल जो है सर्बानंदा सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने जो है कल महात्मा गांधी की 150वीं जन्मतिथि पे कल अक्टूबर 2018 को सब देश का सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग अनवील किया, जो कि एवरेज सिटी एलिवेशन के हिसाब से सबसे लंबा है। सो ये जो है फ्लैग लगभग 9600 स्क्वायर फीट, मतलब बड़ा है ये फ्लैग, और जो इसका पोल का वो है वो कितना है, 319.5 फीट लंबा है पोल। और ये गांधी मंडप के ऊपर जो है इसको बनाया गया है, जो कि एक मेमोरियल है महात्मा गांधी के नाम पे बनाया गया है। और ये है कहाँ, ये सरायना हिल में है जो कि गुवाहाटी में है। तो ये आपका सरायना हिल है, और यहाँ पे ये देखिए राष्ट्रीय झंडा फहराया है। तो क्या है, सरायना हिल में गांधी मंडप के ऊपर देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया, कब, कल अक्टूबर 2, 2018 को। और ये जो है मीन सी लेवल से लगभग 300 मीटर ऊंचा है। अगर केवल फ्लैग पोल की बात होती है तो ये देश का तीसरा सबसे लंबा फ्लैग है। सो पहला कहाँ है, पंजाब के अटारी बॉर्डर पे, जो कि 360 फीट है। दूसरा है पिंपरी चिंचवड़, जो कि भक्ति शक्ति चौक पे है पुणे में, ये 351 फीट है। और तीसरा कौन सा है आपका, ये गांधी मंडप वाला। ठीक है, अब आइए जरा गांधी मंडप स्टैचू के बारे में जानते हैं। तो ये जो गांधी मंडप जो स्टैचू है, इसमें क्या है कि गांधी जी का जो स्टैचू है ये स्केलेटन्स के ऊपर बनाया गया है, और इसको जो है बनाया है राम किनकर बैज ने। किन्होंने, राम किनकर बैज, जो कि शिल्पकार हैं बहुत ही फेमस, इन्होंने जो है बनाया है किसको, गांधी मंडप को। और ये किसको दर्शा रहा है कि ये 1946 के नोखाली हत्याकांड को दर्शा रहा है, जब गांधी जी वहां गए थे और उन्होंने जो है शांति का अनुग्रह किया था। तो वही दिखा रहा है गांधी जी ह्यूमन स्केलेटन्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, 17th सेंचुरी मुगल एरा उंथ कदाल हम्प ऑफ अ कैमल फैशन ब्रिज इज इन विच स्टेट। सो आपको बताना है 17वीं शताब्दी का मुगल कालीन ओंथ कादल। सो ओंथ कादल इज अ ब्रिज, एक ब्रिज है, एक पुल है, जो कि ऊंट के जो हम्प होता है कुबड़, उसके जैसा शेप्ड है। तो बताना है किस राज्य में है। तो ये जो है कहाँ है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये पुल कहाँ है, ऊंट कादल। सो ऊंट कादल जम्मू एंड कश्मीर में है। अब ये समाचार में क्यों है, ये देखिए, क्योंकि कल जो है, यानी सॉरी 1 अक्टूबर 2018 को जो जर्मनी के डेप्टी चीफ मिशन जो है इंडिया में, जैस्पर विक, सो जैस्पर विक ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक, जो कश्मीर का चैप्टर है, उसके साथ एक हस्ताक्षर पे, मतलब एक समझौते पे हस्ताक्षर किया, जिसके अंतर्गत क्या है कि जर्मनी जो है 17वीं शताब्दी के मुगल कालीन ब्रिज का जो है रेस्टोरेशन करेगा।
ये देखिए, ये जो है ये ब्रिज है और ये डल लेक के बीचों बीच में है। तो डल झील के ये बीचों बीच में है और अपने आप में बहुत ही स्मरणीय दृश्य बनाता है। ठीक है, इसके लिए जर्मनी जो है 32 लाख रुपए खर्च करेगा। और ये जो है ये कैमल फैशन्ड, जो ये देखिए जैसे ऊंट का वो होता है, हम उसी शेप में है। ठीक है, प्लस इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो है जो 6 मुगल गार्डन है जो कि डल झील के इर्द गिर्द हैं, तो ये जो 6 मुगल गार्डन है इनको जो है यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नामांकित किया गया है। अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाते हैं तो ये ऊंट का दाल प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा हाथ होगा। ठीक है, सो यहां से आपको इतनी जानकारी हमने दे दी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन पे। हमारा नवा क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इराक। सो हाल ही में इराक के राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए, तो ये हैं आपके बरहाम सली। सो बरहाम सली जो कि फॉर्मर कर्डिश प्राइम कर्डिश मिनिस्टर हैं, तो ये उसके क्या है कि बरहाम सली इराक के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। और अब्दुल अब्दुल महदी, इनको जो है प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट जो है सली ने अपॉइंट किया है। इनको 30 दिन के अंदर जो है अपना बहुमत सिद्ध करना है। किनको? अदेल अब्दुल महदी को। और बरहाम सली ने फुआद हसैन जो कि अपोजिशन में थे इनको हराया है। तो ये अपोजिशन में थे इनको हराया है। अब आइए, चूंकि इराक की बात हुई हो तो जरा इराक के बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जो है ये आपका इराक है और यहां से आपका ये टिग्रिस रिवर आता है और यहां पे आपका बगदाद है। तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है जीके में कि बगदाद किस नदी पे है। तो बगदाद आपका टिग्रिस नदी पे है। किस नदी पे है मैं यहां लिख देता हूं, टिग्रिस। सो ये टिग्रिस नदी के बैंक पे है बगदाद। ठीक है, और एक 2003 का यूएस लेड, जब यूएस ने इन्वेजन किया था उस समय एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से क्या है, जो इराक का प्रेसिडेंट होगा वो एक कर्ड द्वारा हेल्ड किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर शिया द्वारा, और पार्लियामेंट स्पीकर जो होगा वो एक सुन्नी कम्युनिटी का होगा। तो ये एक अरेंजमेंट है, उसी के अंतर्गत जो है बरहा सलीम को जो कि कर्ड है इनको प्रेसिडेंट का रोल दिया गया है। ठीक है, अब जरा इराक के इर्द गिर्द के वो देख लीजिए देश। देखिए, इसके नॉर्थ में सीरिया है, इसके ईस्ट में ईरान है, साउथ में इसके कुवैत है, और इसके साउथ ई वेस्ट में सऊदी अरेबिया है और वेस्ट में जॉर्डन है। और तो ये कितने देशों से घिरा है, लैंड लॉक्ड है। तो आपका सीरिया 1, ईरान 2, कुवैत 3, सऊदी अरेबिया 4 और जॉर्डन 5। तो ये 5 देशों से लैंड लॉक्ड कंट्री है इराक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, विच स्टेट वन द 24th वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल। सो किस राज्य ने 24वां महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो ये जो है मणिपुर ने ये खिताब जीता है और इन्होंने उड़ीसा को फाइनल में 2-1 से हराया। और ये फाइनल जो है आपका बरबाती स्टेडियम में खेला गया जो कि उड़ीसा में ही है। कहाँ है? बारबाती स्टेडियम में ये जो है खेला गया, ये उड़ीसा में ही है। और ऐसा करके मणिपुर ने जो महिला जो फुटबॉल चैंपियनशिप है उस पर 19वीं बार कब्जा किया है। कितनी बार? 19वीं बार कब्जा किया है। और पिछली बार यानी कि 23वें संस्करण के जो विनर थे वो कौन थे? वो थे तमिलनाडु। तो 23वें संस्करण के विनर कौन थे? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिंजेंट फॉर 3rd पैरालंपिक एशियन गेम्स। सो तीसरे पैरालंपिक एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन नामित किए गए हैं। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मरियप्पन थंगावेलू। तो मरियप्पन थंगावेलू जो है ये पैरालंपिक्स में हाई जंपर हैं और इन्होंने जो है रियो ओलंपिक्स जो कि 2016 में हुआ था, रियो ओलंपिक्स 2016 में इन्होंने जो है गोल्ड जीता था। क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड जीता था। और ये जो है 3rd जो पैरालंपिक एशियन गेम्स कहाँ हो रहा है? जकार्ता में, उसमें भारत के जो है ये ध्वजवाहक होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें हमने देवेंद्र झाझरिया दिया है। तो देवेंद्र झाझरिया ये भी जो है ये पैरा एथलीट हैं
जो कि जैवलिन थ्रो करते हैं, क्या करते हैं ये जैवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है। और इनको जो है पिछली बार जो है राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, किनको, देवेंद्र झाझरिया को, ठीक है। तो इनको किससे सम्मानित किया गया है पिछली बार, राजीव गांधी खेल रत्न से। तो इस बार किसको किसको मिला है, तो इस बार जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसको किसको मिला है, और मैं बताऊंगा कि कितने लोगों ने सही उत्तर बताया है। तो आपको बताना है 2018 में किन दो लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 12वां क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ओन फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो किस राज्य ने हाल ही में अपनी खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है, तो ये है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, तो इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कल जो है अपना खुद का स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च किया, और ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो भी पॉपुलेशन कवर नहीं हुआ है उसको जो है स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाएगा। इसमें जो है राइस जो है ये 5 kg इसका क्वांटम होगा, और ये कितने इस दर पे दिया जाएगा, 1 रुपए के दर पे ये दिया जाएगा। तो 1 रुपए के दर पे 5 kg राइस दिया जाएगा इंडिविजुअल को, ठीक है। तो ये है स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम किसका, उड़ीसा का। चलिए अब अपने 12वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, हु वन द 2018 केमिस्ट्री नोबल प्राइज। तो 2018 का रसायन शास्त्र नोबल पुरस्कार किसने जीता। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। सो तीनों के तीनों, यानी कि फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगोरी पी विंटर, इन तीनों ने जो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीता है। सो फ्रांसिस एच अर्नोल्ड को इनको आधा अमाउंट मिला है प्राइज मनी का, स्मिथ को और एक चौथाई, और ग्रेगोरी विंटर को एक चौथाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनको किसके लिए नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री का। सो जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस है उसने ये कहा है कि फ्रांसिस एच अर्नोल्ड को इनके डायरेक्टेड एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स के लिए जो है ये आधा प्राइज मनी दिया जा रहा है, बाकी जो हाफ प्राइज मनी है ये जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगोरी पी विंटर को इनके फेज डिस्प्ले ऑफ पेप्टाइड्स और एंटीबॉडीज के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज, और आपको कंठस्थ याद करना है क्योंकि इनमें से एक सवाल डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे। सो जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, जैसा हमने कहा ये नोबेल प्राइज पे हम सीरीज चला रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द केमिस्ट्री नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से 2 बार किन्हें सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए जॉन बी फेन, बी फ्रेडरिक सैंजर, सी फ्रेडरिक जॉलियट और डी आदा योनाथ। सो ये आपके ऑप्शन है, आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। हम इसका आंसर कल 6 बजे जो वीडियो होगा उससे पहले बताएंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। सो रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है। So, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है, ए 2, बी 3, सी 4 या डी 1। सो दोस्तों आप जो है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और हम जो है इसका आंसर कल वीडियो लाइव होने से पहले बताएंगे। सो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।